मुझे लिपस्टिक विच लिपस्टिक यू लाइक द मोस्ट लिपस्टिक मेरे पास एक थी जो कि मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी और वो लिप पेंसिल थी ऑरेंज कलर की मैंने शायद वीडियो में भी यूज़ की हुई है शहनाज वाली में तो मैं हर जगह वो लगाती हूँ अभी मैंने जो लगाया हुआ है वो मैंने लिप बाम लगाया हुआ है जो फरी था बट खैर अभी नहीं है वो प्रॉपर वेजन टाइप कुछ लगाया हुआ है बाकी फिल्टर नहीं मेकअप किया हुआ है मैंने कुछ होटों पर नहीं लगाया बाम के अलावा डिप्लेक्स, डेप्लिक्स डिप्लेक्स पता नहीं मैंने अक्सर देखा है कि लोग प्रोनाउंसिएशन कोई डिप्लेक्स कह रहा होता है कोई डेप्लेक्स कह रहा होता है अच्छा <coughs> 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 मैं अभी जा रही हूँ वापस सोने मैंने सोचा मैं वैसे ही आ जाऊं अच्छा टी बी एच अरिका अरिका बहुत प्यारी है बहुत क्यूट है बहुत स्वीट है बहुत हम्बल है और मुझे उसके वीडियोस बहुत पसंद है जब वो आई थी ना नई नई टिकटॉक पे तो मैंने कहा था ये लड़की ये फेमस होगी इसमें वो बात है वो वो जो कहते हैं अट्रैक्शन है, है। यानी मैं उसकी वीडियो जब देखती थी तो मैं उसको ऊपर नहीं करती थी मैं पूरी देखती थी तो अरिका माशाल्लाह बहुत प्यारी है एलिशा कहाँ हैं अलिशा शॉपिंग पे गई हुई है मामा के साथ और मुझे भी मामा ने कहा था कि शॉपिंग पे साथ आ जाओ बट मैं सॉरी थी आ, हेलो हाय जापान से वापस कब आ रही हैं बस सेवन डेज हाँ सात दिन दो दिन रास्ते में और पांच दिन अभी यहां पे हूँ उन पाँच दिनों में मैं कोशिश कर रही हूं मैं बंजी जंपिंग करूँ और उसमें दो ऑप्शन हैं एक है दो सौ मीटर की हाइट से है और एक है आई गेस हंड्रेड से तो मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे डर लग रहा है बट तो मैं करना चाहती हूँ एक मैंने बंजी जंपिंग करनी है एक मैंने आइस स्केटिंग करनी है और एक मैंने आ... क्या कहते हैं उसको मुझे नाम नहीं आता <laughs> आप शिफ्ट हो गई थैंक Thank... नहीं एम हैप्पी का क्या जवाब होगा ओके ऐसा क्या लिखा था आपने अभी आप शिफ्ट हो गई उधर यार चलो ये भी क्लियर कर देती हूँ ऐसा है कि काफी पेजेस uh, ने काफी बड़े बड़े चैनल्स ने क्या हेडलाइन चलाई कि जन्नत मिर्जा बैनिंग कल्चर की वजह से uh, पाकिस्तान को छोड़ रही हैं और जापान जा रही हैं मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं बैनिंग कल्चर की वजह से छोड़ रही हूं मुझे पता था टिकटॉक अनबैन हो जाने क्योंकि मैं उनके साथ कांटेक्ट में थी पहली बात दूसरी बात मैंने जरूर ये स्टेटमेंट दी, दी थी कि आई एम मूविंग टू जापान क्यों क्योंकि उन दिनों में जो न्यूज आती थी आप न्यूज लगाओ या जापान बैठ के आप जब एयर खोलते हो या कोई भी चैनल खोलते हो सामने क्या आता है कि उस औरत का रेप हो गया दो साल की बच्ची का रेप हो गया ये हो गया वो हो गया और सबसे जो मेरे लिए हैरान करने वाली बात थी वो ये थी जी पुलिस ऑफिसर जो है जिन्होंने ये रेप के बारे में जो औरत जिस बिचारी औरत का रेप हुआ वहां हाईवे पे उनको कहते हैं कि आप निकली ही क्यों आपको जब पता है सेफ नहीं है तो आप निकली ही क्यों तो उस आप कह लें कि उस जज्बात में उस वो मैंटेलिटी वर्ड जो मैंने यूज किया था वो कुछ लोगों के लिए था जैसे कि वो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने ये कहा कि निकली ही क्यों तो उनके लिए था बाकी सबके लिए नहीं था आप लोग तो जज्बाती हो जाते हो यार खैर मैं मूव जापान नहीं कर रही मैं पाकिस्तान वापस आ रही हूँ और फिर मैं तीन चार महीने के बाद हाँ यहाँ वापस आऊंगी क्योंकि मैं यहां पे सोच रही हूँ कि मैं अपनी वहां पे यूनिवर्सिटी कंप्लीट करके अपनी फैशन डिजाइनिंग की डिग्री लेके यहाँ आके मैं आ, कुछ और पढ़ू तो हां मैं फिल्म पढ़ना चाह रही हूं मैं यहां के पढ़ूँ तो फिर मैं अपने पाकिस्तान में जाके कैमरे के आगे तो भी काम कर रही हूं मैं कैमरे के पीछे भी काम करूं एज ए डायरेक्टर या एज ए प्रोड्यूसर कैन यू से हाय ईमान हाय ईमान हाय ईमान अच्छा अभी मैं जा रही थी आप लोग मुझे पता नहीं बातों में लगा लेते हो माई हार्ट मेल्स यूज पिघल ना जाना भाई पूरे ना पिघल जाना जन्ना जेपनीज प्लीज ओके ओके यूसुख नहीं पता मैं क्या कहूँ मैं किससे बात करूँ जैपनीज में सहर, आपकी दोस्त है कौन सी शहर सहर हयात मिर्जा मेरी बहन है सहर हयात मेरी दोस्त है कोई आप लोगों के सवाल जो आप लोगों ने पूछने हो जिससे आप लोगों के दिल में मेरे लिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो आप पूछो ताकि मैं उसे क्लियर करूं हाँ शहर हयात के साथ लड़ाई हुई है नहीं हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई मैं वापस जाके इनशाला उससे मिलूंगी यू सेक निहोंगो जानाई निहोंगो जाना